दूसरे को क्यों सता रहे हो? हाँ, आईने कहा था इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश बसते हैं। तो आप इन तीनों से ही गुण सीख लो ना। ब्रह्मा भाव, विष्णु भाव, महेश काका। अरे भ्यू, भगवान बात नहीं करते। गोटिया भाव, भगवान पे विश्वास करो तो मन में बात डाल देते हैं या किसी माध्यम से बता देते हैं। आपको इतना भी नहीं पता? चलो सब प्रार्थना करो। चलता हूँ। अरे ईशु, ए परचू, हे पत्ते गिराकर भाव को सताने वाले वृक्ष, हे वृक्ष में बसने वाले ब्रह्मा भाव, विष्णु भाव, महेश काका, मेरे महान भाव की सहायता करो। हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। भगवान बोले। आप तीनों में से कौन से भगवान बोल रहे हो? मैं कल्प वृक्ष बोल रहा हूँ। बोलो क्या चाहिए? मुझे एक गुड़िया चाहिए, नए दूध के दांत, नए कपड़े और गुड़ी पड़वा पर एक पायल भी चाहिए। चांदी की भी चलेगी? और हाँ, मेरे भाव के लिए दूसरा गुड़ भी चाहिए। दे दो ना कल्पवृक्ष, मैं रोज तुम्हें प्रणाम करूंगी। उसके लिए बाजी को अपना मन निर्मल करना होगा। बालू और अपने शत्रु बालू की 3 बार जय बोलनी होगी। बोलो बाजी, बालू की ऐसी की तैसी। इन सबको शाला में देख लेंगे। चला बाजी, बालू था भगा दिया, तू पत्ते पकड़, हम पार चला जा रहे। तू पत्ते पकड़, चल बाजी। तो चला रे भाऊ, हमें भी भ्यू को घर छोड़कर पाठशाला जाना है। अब पत्ते पकड़ो, हम आते हैं। चल भ्यू, भ्यू आई डांटेगी ना, चल ना। Thank you.
क्या कर रहे? पत्ते पकड़ रहा हूँ। ऐसा काम कौन देता है भला? मेरी आई, वो ही मुझे ऐसे टेढ़े काम देती है। संसार की सारी आई ऐसी ही होती है, हमारी आई भी ऐसी ही थी। या, उठा। पहचाने हुए क्यों लग रहे हैं? पहचाने हुए तो लगेंगे ही, क्योंकि हम और तुम दोनों एक ही मातृभूमि की संतान है। हमारी मिट्टी, मन, मन की पीड़ा, तीनी एक तहत बाजी, दोनों ही हठी, दोनों ही मराठी। तुम्हें ये पत्ते पकड़ते हुए देखकर हमें शिवबा की एक कथा याद आ गई। शिवबा? म्हणजे शिवाजी की एक कथा याद आ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए, हम मराठी उनका नाम सदैव सम्मान पूर्वक लेते हैं। चला बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जय बोलिए ना। आप पक्का मराठी है ना? खरा ओ। लगते भी हैं। तो फिर आप छत्रपति शिवाजी महाराज की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? कथा सुननी है तो चुपचाप सुनो। अभी तो चुप हो रहा हूँ, लेकिन कथा सुनाने के बाद आपको मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलनी होगी। अब तो सुनाइए। शिवबा की सेना छोटी थी, मगर उन्हें पता था छोटा पत्थर भी यदि तेजी से मारो तो बहुत पीड़ा देता है। इसलिए शिवबा ने तेजी को अपना हथियार बनाया और छापा मार युद्ध शुरू की। महादेव की कृपा से उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने मुगलों से बहुत सारे छोटे बड़े युद्धों में जीत पाई और शाइस्ते खान की पराजय के बाद बादशाह औरंगजेब ने शिवबा को पकड़ने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह को 10,000 सैनिकों के साथ भेजा। मिर्जा राजे जयसिंह वीर भी थे और नीति कुशल भी। उन्होंने पुरंदर के किले में शिवबा को घेर लिया। जयसिंह तो हमारे देश के लगते हैं नाम से, वो मुगल थे? फिर भी उन्होंने औरंगजेब की सहायता की। तुम सवाल बहुत करते हो, लेकिन सही सवाल करते हो। धन्यवाद। देश बाहर से नहीं टूटता बाजी, अंदर से टूटता है। हाथों टूटतो कुल्हाड़ी में लकड़ी नहीं होती तो वो कभी पेड़ नहीं काट पाती। वैसे ही अगर अपने देशवासी परायों की सहायता नहीं करते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। फिर क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह की इतनी बड़ी सेना से युद्ध किया। इतनी बड़ी सेना के साथ युद्ध का मतलब था मृत्यु, और स्वराज्य मर कर नहीं जीवित रहकर प्राप्त किया जाता है। शिवबा ने नीति और युद्ध में से नीति को चुना। फिर एक शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए और उस संधि के शर्तों के अनुसार शिवबा बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा गए। पर बादशाह औरंगजेब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं।
इस अपमान से क्रोधित होकर शिवबा और संभाजी ने दरबार से जाने का निर्णय लिया, पर उन्हें बंदी बना लिया गया। फिर क्या हुआ? क्या मुगलों ने उन्हें? यदि मुगल छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ बिगाड़ पाए होते तो वो इतना बड़ा मराठी साम्राज्य कैसे बनाते? मैं भी भावुक हो गया। बड़ा शिवबा भावुक नहीं साले, क्योंकि विपत्ति में भावुकता नहीं धैर्य और उत्साह काम आता है। पर उत्साह तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। चूल्हा भी तो ठंडा हो जाता है, पर तुम्हारी आई उसे रोज जलाती है ना? जलाना ही पड़ता है, क्योंकि चूल्हे के आंच के बिना भोजन कैसे पकेगा। ऐसे ही उत्साह का दीपक भी रोज जलाना पड़ता है। सच्चा उत्साह लहर नहीं होता बाजी, जो उठे और मिट जाए। वो तो नदी का प्रवाह होता है, जो ना रुकता है ना थमता है। शिवबा भी रोज उसी उत्साह के साथ सोचते कि शायद आज औरंगजेब की कैद से भागने का मौका मिल जाए। देखते देखते 3 महीने निकल गए, पर ना औरंगजेब शिवबा से मिलने आए और ना शिवबा को बाहर जाने की अनुमति मिली। 3 महीने? लक्ष्य बड़ा हो तो यात्रा भी बड़ी करनी पड़ती है बाजी। फिर क्या हुआ? फिर रचा गया एक स्वांग और खेला गया एक नाटक। बीमारी का ये स्वांग 3 दिन तक चला। फिर शिवबा ने स्वस्थ होने का नाटक रच के बादशाह से निवेदन किया कि उसे मां भवानी के नाम पर अपने चिकित्सकों, ब्राह्मणों और फकीरों को फल और मिठाइयां बांटने की आज्ञा दी जाए। बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार करके बांस की बड़ी बड़ी टोकरियों में बाहर भेजे जाने लगे। पहले 4 दिन तक तो पहरेदारों ने बड़ी चौकसी दिखाई। बाहर जाने वाले हर टोकरी की जांच पड़ताल की गई। पर जल्दी ही चौकीदार लापरवाह हो गए और टोकरियां बिना जांच के बाहर जाने लगी। यही वो मौका था जिसकी शिवबा को तलाश थी। वाह, मंजे छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले से ही पता था कि द्वारपाल एक ही काम बार बार करते करते ऊब जाएंगे। हो, द्वारपाल एक ही काम करते करते ऊब गए, उनका उत्साह चला गया, पर शिवबा का उत्साह नहीं गया। वो रोज अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। ऐसे कैसे? उनका उत्साह कैसे बना रहा? पत्ते पकड़ते पकड़ते मेरा उत्साह तो एक ही दिन में ठंडा हो गया। व्यक्ति अपने काम से ऊब सकता है, अपने सपने से नहीं। इसलिए जो भी करो उसे अपने सपनों से बांध दो। मंजे तुम्हारा सपना क्या है? स्वराज। तो फिर ये सोचो कि तुम्हारी ओर आने वाला हर पत्ता स्वराज्य है। अब बताओ, क्या तुम स्वराज को भूमि पर गिरने दोगे? कभी नहीं। कथा तो पूरी हो गई, अब
अब आपको मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलनी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आप जय क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा सांगला नहीं। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा? आप हा? शिवाजी महाराज से हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे सपने में आए और सपने में मुझे तीसरा गुण सिखा गए। उत्साह, जो भी काम करो पूरे उत्साह से करो। जाकर आई को बताता हूँ। उत्साह आई को बताने में नहीं, आई का बताया हुआ काम करने में है। हर गिरता पत्ता स्वराज है और मैं स्वराज को गिरने नहीं दूंगा।